नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, ऐसी शुभकामना हमारी है। आज हम बात करेंगे सात मूलांक के बारे में। अभी तक हमने एक से छह मूलांक तक बात कर ली है, आज सात मूलांक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि सात वाले होते कैसे हैं, कैसा इनका स्वभाव होता है, क्या समस्याएं या क्या क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे कि सन 2022 में कैसा इनका स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, शिक्षा, विवाह, प्रेम विवाह, यौन व्यवसाय, नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। इन सभी विषयों पे पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 2007 वाले होते कैसे हैं। मित्रों, जो किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का सात मूलांक होता है। 7, 16 एवं 25। सात अंक केतु से गवर्न होता है। केतु को कहा जाता है कि वो बिना सर के हैं, अर्थात इनके पास एक गहरा हृदय होता है, दिमाग से चीजों को नहीं सोचते हैं, हृदय से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी भी चीज को सोचने के लिए दिमाग नहीं होता है। दिमाग से विषयों को खूब अच्छे से समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हृदय का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कभी कभी यही हृदय का प्रयोग इनको नुकसान देता है। आपने कभी अंधे आदमी को सड़क पे चलते हुए देखा है कि नहीं? जब यह अंधा आदमी सड़क पे चलता है तो रोज चलने वाले रास्तों को वह बड़ी बाखूबी ढंग से समझ लेता है कि कहाँ पे किसकी दुकान पहुंचने वाली है, कहाँ पे हम किस मोड़ पे आ चुके हैं, उन सभी चीज़ों को अपनी पतली सी डंडी से वह समझ लेता है। इनकी यही कला किसी भी विषय की गहराई में जानने में सहयोग करता है। सात मूलांक वालों को कोई भी घटना घटने वाली है, वह पहले से अनुभव होने लगता है। हमने कई बार देखा कि सात मूलांक वाले निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी को पढ़ लेते हैं। कहीं पे भी गए, वहाँ पे कैसी एनर्जी है या सामने वाला जो बातचीत कर रहा है वह कैसा है, इन सब चीज़ों की पढ़ने की अच्छी क्षमता होती है। अगर कुंडली में इनके अच्छे योग हों तो इनको कई क्षेत्रों में आगे देखा गया है। ज्योतिष का मानना है, चाहे मुक्ति हो या झंडा लगना हो, उन सब के लिए केतु का बलिष्ठ होना अच्छा होता है। केतु को ध्वज का कारक माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप मंत्री, नेता या किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी देखते हैं तो उसके गाड़ी पे एक ध्वज, एक छोटा सा झंडा लगता है। यह झंडा केतु का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिष में अगर कुंडली में केतु का अच्छा प्रभाव ना हो तो आप हायर पोस्ट पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में ऊपर तक पहुंचने की क्षमता केतु में देखी गई है। केतु के पास अच्छे मित्र होते हैं। ये अपने मित्रों के अजीज होते हैं। उसका एक कारण होता है कि ये जो अपना अनुभव अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं वह बड़ा ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक होता है। मनोविज्ञान की अच्छी समझ होती है। अकल्ट साइंस अर्थात रहस्यमयी जितने विज्ञान होते हैं उन चीज़ों को ये लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि सात मूलांक इतना अद्भुत होता है कि अगर 10 लोगों से आप पूछें कि आप अपने मन में कोई अंक लें तो उसमें बहुत से लोग सात मूलांक का चुनाव करते हैं। सात मूलांक अपने अंदर मोक्ष की क्षमता रखता है। तो इन लोगों की आध्यात्मिक समझ अच्छी होती है। हाँ, एक समस्या होती है, इनके शब्द और महसूस जो अंदर अनुभव है दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है।
इस नाते ये अपने शब्दों के द्वारा अपने अंदर की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो कई बार सामने वाले इनको उतना वजन नहीं देते हैं वास्तव में जितना ये लोग डिजर्व करते हैं। मेहनती लोग होते हैं, चाहे केमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हों, चाहे सोशल चीज़ें हों, सबकी इनके पास समझ होती है। व्यवहार कुशल तो इतने होते हैं कि अपने दोस्तों के लिए समय पैसा सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार इनको प्रेम से लेकर हर चीज़ में उपेक्षा प्राप्त होती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को ये साधते हैं। मैंने कई बार देखा कि चर्म रोग से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु इन्फेक्शन और एलर्जी का कारक है। एलर्जी में खासतौर से इन स्किन से संबंधित एलर्जी या लाल रंग के दाग, यहाँ तक कि चिकन पॉक्स जो माताजी कही जाती हैं, वह भी केतु के प्रभाव से आता है। जीभ या लीवर में गर्मी अधिक बढ़ना या पेट में गर्मी बढ़ना, यह भी केतु प्रभावित लोगों के अंदर देखी गई हैं। केतु प्रभावित लोग जब किसी के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात कहते हैं, मैंने कई बार देखा है कि वो बातें सही होती हुई दिखती हैं। और केतु प्रभावित लोग कई बार जहाँ पे जाते हैं या कई नई जगह पे जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि भविष्य में झांकने की उनके पास क्षमता होती है। अगर अंकों में सबसे ज्योतिषीय अंक किसी को कहा जाए कि जिसको ज्योतिष पैदाइशी रूप से आता है, तो उसमें से 7 मूलांक को जरूर महत्व दिया जाएगा। 7 मूलांक वाले अकल्ट साइंस से अगर जुड़े तो वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। इसीलिए कई बार इन लोगों को जादू टोना, काला जादू, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, इनमें इंटरेस्ट देखा गया है या इसके बारे में अध्ययन करते देखा गया है या इसकी समझ भी इनके अंदर पाई जाती है। एजुकेशन के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। बौद्धिक और अनुमान की क्षमता अच्छी होने के नाते ये गुप्त विद्याओं का अध्ययन अच्छे से करते हैं। तो मित्रों, ये कुछ खास बातें थीं जो हमने 7 मूलांक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि 7 मूलांक के लिए सन 2022 कैसा रहेगा। जहाँ पर 7 मूलांक जिसके स्वामी केतु हैं, वहीं पर सन 2022 के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और केतु का एक अच्छा संबंध है। इस वर्ष शुक्र केतु वालों को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इस वर्ष आप आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, केतु वालों को एक चीज़ याद रखना चाहिए, जीवन में आग, केमिकल या मौसम से जो उनके शरीर पे एक दाग पड़ता है वह किसी न किसी एज में जरूर पड़ता है। सुंदरता पे उनकी डलनेस या चमक में कमी आना या चमड़े से समस्या, यह देखी जाती है। फिलहाल इस वर्ष ऐसी संभावना कम से कम है, लेकिन यह दिक्कत हमने बहुत बार 7 मूलांक वालों को देखा है। इनको चाहिए प्राणायाम योग करते रहें। इस वर्ष भी स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष तो अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका स्वरूप अच्छा और सुंदर बना रहे इसके लिए पूरे वर्ष योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। मौसम परिवर्तन के समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं घर, गाड़ी, वाहन के बारे में। तो 7 मूलांक को जीवन में एक बड़ी सफलता जरूर मिलती है, और वो सफलता जब मिलती है तो सडन प्राप्त होती है। तो यह वह वर्ष है जो सूचना दे रहा है कि इस वर्ष आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, और यह अच्छा होना लक्ष्मी युक्त दिखाई देता है। अर्थात घर, गाड़ी, वाहन, जमीन, इन सभी सुखों में वृद्धि देखी जा रही है। हाँ, माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर डालेगा। माँ को आँख से संबंधित यौन कहीं चोट चपेट या कमर से दिक्कत होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। माँ को
बेचैनी या आँख से दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन घर गाड़ी वाहन का सुख आपके लिए इस वर्ष आपके जीवन में पूरा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। शुक्र और केतु का मिलन एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं की हैं उसमें और मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने मन की बातों को उतने अच्छे से व्यक्त नहीं किया है, उतने अच्छे से आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपका मन जो बीच बीच में खो रहा है वह खोता ही रहेगा। इसके नियंत्रण के लिए माँ सरस्वती की उपासना किया करिए। माँ सरस्वती की उपासना से केतु प्रसन्न होते हैं। वैसे अंत में हम आपको एक रेमेडी भी बताएंगे जिसको आप करने से एजुकेशन में अधिक से अधिक परिणाम मिलेगा। यह वर्ष अगर चंचलता को छोड़ दिया जाए तो वर्ष ठीक रहेगा। यह चंचलता की समस्या कोई इस वर्ष की नहीं है, हर वर्ष की है। आपका क्रम थोड़ा सा टूटता है, उसको टूटने मत दीजिए। आपको लास्ट में हम रेमेडी बताएंगे, उस रेमेडी को जरूर करिएगा। अब बात करते हैं विवाह एवं प्रेम विवाह की। हमने कई बार देखा कि केतु वालों को प्रेम जरूर होता है, लेकिन मुकम्मल हो प्रेम यह जरूरी नहीं है। जीवन में 2 से 3 लोग अच्छे और करीबी लोग बनते हैं। कई बार 2-3 शादियां तय होते होते टूटती हैं। तीसरी शादी या तीसरा प्रेम या तीसरे आदमी से जुड़ाव जाकर पूरा होता है। बहुत से लोग हैं जिनकी पहली शादी हो जाती है, वो कहते हैं कि जुड़ाव नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी भी समस्या हमने देखी है कि विवाह के बाद भी 1-2 लोगों से उनका जुड़ाव हुआ है। इस नाते 7 मूलांक के जीवन में 2-3 रिश्ते आना या रिश्ते बनना या 2-3 शादियां करीब जाकर टूटना यह माना जाता है। इस वर्ष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विवाह के लिए शुभ है, प्रेम के लिए शुभ है। जो लोग अविवाहित हैं उनके अच्छे लक्षण हैं कि उन्हें एक अच्छी और बेहतरीन भाग्य को बढ़ाने वाली, घर में लक्ष्मी को बढ़ाने वाली जीवन संगनी या जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आपको एक अच्छा प्रेम साथी मिल सकता है जो आपके लिए अच्छे विचार और अच्छे संयोग बनाने वाला हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं व्यवसाय एवं नौकरी। शुक्र को लक्ष्मी का अंक माना जाता है। केतु प्रभावित लोग अपने जीवन में मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे वर्ष जाते हैं जिन वर्षों में इनको परिणाम प्राप्त नहीं होता है, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन यह वर्ष आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो जो लोग अभी तक प्रमोशन नहीं पाए हैं नौकरी में, या जो लोग एकदम नौकरी के पास जाके कट जा रहे हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इस वर्ष आपकी नौकरी में शुभता घटित होने वाली है। आप कोशिश करें और मेहनत करें और आप अब की बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा है। कुछ नए व्यवसाय या नए लोगों से मिलने पे आपका भाग्य व्यवसाय में बढ़ने वाला है। इस वर्ष आपके कारोबार में वृद्धि देखी जाएगी। पुराने कर्ज को, पुरानी समस्याओं को खत्म करके नए सिरे से विषय को आप शुरुआत कर पाएंगे। व्यवसायिक दृष्टि से यह वर्ष काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो मित्रों, ये बात हुई सन 2022 में 7 मूलांक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सन 2022 में 7 मूलांक वाले कौन सी रेमेडी करें जिसके द्वारा उनका वर्ष श्रेष्ठ जाए। केतु को अगर आपको प्रसन्न करना है तो माँ दुर्गा की उपासना अगर आप करते हैं तो बढ़िया रहेगा। हाँ, साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और माँ दुर्गा को दूर्वा चढ़ाते हुए करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हुए करिए तो यह और श्रेष्ठ माना जाएगा। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है। माँ दुर्गा की उपासना कैसे करनी है? आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप ऐंग ह्रीं क्रीं कर सकते हैं। कोई भी मंत्र एक माँ दुर्गा का लेके कर सकते हैं, साथ में गणेश जी के लिए अथर्वशीर्ष का पाठ और दूर्वा चढ़ाते हुए। ये 2 कृत्य अगर आप प्रतिदिन करें या खास तौर से बुधवार को तो करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं पर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए या केतु को सही करने के लिए
आप हॉस्पिटल जाकर हॉस्पिटल रोगियों को कुछ खाने वाली चीज़ें या उनको दवा का पैसा देंगे तो यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। इससे भी आपकी जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। कारण क्या है, केतु वाले के जीवन में सडन प्रॉब्लम्स आती हैं। एकाएक कोई बजट आया जिससे उनका बजट नीचे चला जाता है और वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं। हाँ, उठते भी हैं सडन ही, लेकिन उठना आदमी उतना अच्छे से नहीं नोटिस करता है जितना सडन नीचे जाना नोटिस करता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि हफ्ते महीने में जाकर हॉस्पिटल में या किसी ऐसी संस्था जैसे गरीब संस्था जहाँ पे वृद्धाश्रम हो, अनाथ बच्चे हो, उनको कुछ न कुछ डोनेशन जरूर दिया करिए। इसको करेंगे तो आपके जीवन में जो निगेटिविटी सडन आती है वो आनी बंद हो जाएगी। मित्रों, आपको ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के बारे में जानना है या अपनी कुंडली दिखानी है कि विवाह कब होगा या नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी लाइन का चुनाव करें जो आपको भविष्य में सुंदर भविष्य प्रदान कर सके, इन सभी विषयों पर जानने के लिए दिए नंबर पर आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर डालें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।